डेकोरेशन विद नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे और नेचर के साथ मस्त होंगे। ये देखिए, आज हम इतने सुंदर सुंदर अपने आउटडोर टेरिस गार्डन की ये देखते हैं डेकोरेशन कितनी सुंदर कर रखी है। ये मेरी सिस्टर का प्यारा सा ब्यूटीफुल मतलब स्मॉल सा बहुत ही खूबसूरत गार्डन है ये टेरिस गार्डन। ये छोटे से गार्डन में आप देख सकते हैं 100 मतलब प्लांट्स लगे हुए हैं। अब इसकी मैं जैसे अब इसके बारे में देखेंगे कि आप छोटे से मतलब आप इसमें एरिया में अपना कैसे डेकोरेशन कर सकते हैं और किस टाइप से स्मॉल स्पेस में भी 100 प्लांट्स लगा सकते हैं। ये देखिए, मतलब ये कितना मतलब ये छोटा सा कितना क्यूट सा एरिया है। और यहाँ से शुरू करते हैं, जैसे ये इन्होंने कॉर्नर में रखा हुआ है अपना ही लेडी पाम, देखिए कितना सुंदर हो गया है। और मेन तो ये जैसे उसका रेलिंग का और ये काम कर रहा है प्राइवेसी का भी। तो ये देखिए, मतलब अपने आराम से इसके सामने बैठ सकते हैं अराउंड। और ये और यहाँ पे जो भी है, ये देखिए कितने स्मॉल से एरिया में कितना प्यारा है ये। और हल्की सी जहाँ भी मतलब स्पेस मिली है वहीं पे प्लांट्स ग्रो कर रखे हैं। अब हम सारे ओवरव्यू ले लेते हैं प्लांट्स के। ये देखिए, ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखो जहाँ पे भी मतलब जिस टाइप से भी ये मिले हैं इनको प्लांट्स, ये नीचे लीजिए, नीचे सिंपल एरो केरिया लगाए हुए हैं इन्होंने। और ये ऊपर देखिए बुगनवेल लगाया हुआ है, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए, ये अपने वही फाउंटेन पाम, इसकी फुल वीडियो मैंने अपनी वीडियो प्लेलिस्ट में डाली हुई है। ये देखिए इसके जैसे इनके भी देखो ये बेबी प्लांट हो गए हैं, अब ये उससे दूसरे प्लांट बनाएंगे। और यहाँ से भी मैंने इधर से ये कट करके इसका दूसरा प्लांट बनाया हुआ है। ये देखिए कितना मतलब अब ये मतलब सीजन होता है इनका, जैसे मैंने बनाए हैं अब ये भी बनाएंगे इस टाइप से। आप भी जो फिनिक्स पाम लाएंगे, सॉरी ये फाउंटेन पाम लाएंगे तो इससे आप बेबीज इसके मतलब इसमें अब ये देखिए कितने अच्छे आए हुए हैं, 8-10 प्लांट्स तो बन जाएंगे। उसके बाद इन्होंने ये रोज़ लगाया हुआ है, ये फाइकस की है कितनी प्यारी दूसरी वेराइटी है। ये देखिए जो स्मॉल स्पेस और ये मतलब ये देखिए कितनी सुंदर गैलरी में भी कितने अच्छे इन्होंने, ये देखिए ये देखिए वही है हम सिस्टर ब्रदर मतलब सेम टेस्ट रखते हैं। ये देखो कितने सारे जेड प्लांट, मतलब हर एक घर में जो जिसको भी प्लांट्स जो भी प्लांट लवर हैं उनके आइडियाज़ भी अलग होंगे और मैं भी उनसे आइडियाज़ लेती रहती हूँ और आप भी लेते रहे और आप सजेशन भी देते रहे। ये देखिए कितना सिंपल है, कोई उसमें वो नहीं करी हुई इन्होंने। ये देखो और इसमें ये लगा हुआ है हमारा फार्म और ये देखो अरेनियम का प्लांट, ये हमारे लॉन ये लगे हुए हैं। ये फिर दोबारा फिनिक्स वो आ गया, हमारा फार्म आ गया है। ये देखिए अब इसके बाद हम यहाँ देखते हैं, ये देखिए सदाबहार आई हुई है और नीचे एक्जोरा लगा हुआ है, मतलब मिक्स एंड मैच है ग्रीन प्लांट्स प्लस ये हमारे पास ये रोज प्लांट आ रहे हैं। ये देखिए डेंटिस लगा हुआ है और ये हमारा फाइटस का और ये देखिए हमारी ये बोट ले ली है। ये तुलसी माता तो मस्त होती है, हरे घर में जरूर होनी चाहिए। और ये देखो इनके पास बाहर ही रखी हुई है, देखो कितनी सिंपल उसमें ये स्नेक प्लांट सकुलेंट। ये देखिए और ये स्मॉल बोट लिली लगी हुई है, ये देखिए ये कितने प्यारे, देखिए ये स्मॉल क्रंचो है। ये देखिए कितने प्यारे मतलब इसमें भी रफ एंड टफ एरिया में आप लगा सकते हैं। फ्लावरिंग की बात करें तो ये देखिए कितने अच्छे मतलब हाइब्रिड पेटल का ये अडेनियम है हाइब्रिड, और ये हमारा हिबिस्कस का प्लांट है। और ये देखिए मतलब आप ये देखिए स्टेयर्स है और स्टेयर्स के ऊपर मतलब नीचे कितने सारे प्लांट पॉट हैं, कितने स्टाइलिश है। ये देखिए ये हमारे कॉलिस हो गए हैं आगे, मतलब इन्होंने भी वही जैसे लैंडस्केपिंग कर रखी है, लॉन्ग लेंथ वाले प्लांट्स पीछे की तरफ है। देखिए इन्होंने
ये लीली लगा रखी है ड्रेसी ना, देखो दोनों टाइप का ग्रीन टाइप का, और ये जो भी लेंथ वाइज प्लांट है यूरोफोबिया, और ये, और उसके बाद जो इनके पास ये है जो छोटी सी दीवार है, इस पे इन्होंने ये जेड प्लांट प्लस ये देखो एस्पेरेगास, और ये कितना अच्छा, और इनका ये देखिए कड़ी पत्ता भी और अच्छा है, और ये इन्होंने भी देखो अपने आप ही ये बनाई हुई है, जैसे मैंने बनाई हुई है स्टिक, मनी प्लांट स्टिक, कितनी सुंदर लग रही है देखिए। ये इसके भी वही जैसे मैं कहती हूँ कटिंग कर करके लेंथ वाइज जाओगे तो देखना ये कट कर करके, ये देखो कितने मतलब मस्त कितने ब्रॉड लीव्स आए। ये तो अपने हाथ में होता है आप किस टाइप का मनी प्लांट चाहते हैं, ये कल वाली वीडियो में मैंने दिखाया था कि वो स्मॉल प्लांट भी नहीं काटोगे लटकाए तो उसमें आप स्मॉल प्लांट्स भी बना सकते हैं। ड्रेसिना की दूसरी वैरायटी है फनिक्स पाम आया हुआ, मतलब इन्होंने जैसे कि ये कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है, ये लेंथ वाइज देखिए तो ये हमारे आगे हैं, और इसमें जैसे फनिक्स पाम को ज़्यादा नीचे एरिया की जरूरत नहीं होती है, तो इन्होंने अपना ये स्नेक प्लांट और दोनों वेराइटियों की ये यूरोफेबिया की वेराइटी है ग्रीन, और ये शेडिंग में आती है देखिए, मतलब कि अब जैसे जो मेरे पास कटिंग नहीं होती मैं ले जाती हूँ इनके से, जैसे अब मेरे पास दो तीन वैरायटी नहीं है तो मैं इनकी स्टिक्स ले जाऊंगी। ये कितना अच्छी उनको ये लग रही है, अब ये स्मॉल से एरिया में ये देखिए ये इनका ये कितना प्यारा झूला लग रहा है, और पीछे ये सीटिंग एरिया है, शाम को चाय पिए और बैठे, रेनी सीजन में अब आने वाला है शुरू से, ये देखिए अब इसके जैसे ये कॉर्नर पर इन्होंने लगा दिया है हमारा ये फार्म का प्लांट, कितना अच्छा लग रहा है। और अब देखो जैसे भी इनके पास स्विंग्स है झूला है, ये देखिए इनके प्यारे कितने मस्त इन्होंने बास्केट्स लगाई हुई हैं, देखो छोटी छोटी कितनी, वैसे भी मार्केट में बहुत सुंदर, और इनके देखिए ये आया हुआ बास्केट्स आई हुई हैं, देखो ये देखो यहाँ पर जैबरा प्लांट लगाया हुआ है, मतलब कितना, और ये देखिए कितनी प्यारी है हमारे पास ये आ रही है क्रीपर, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अरे अभी ये देखिए मैंने कहा ना जैसे स्मॉल में रखोगे तो आपके लीव्स ये स्मॉल हो जाएंगे, और मनी प्लांट के ये देखिए यार स्मॉल टोकरी में, और क्या बड़े में इन्होंने लगाई हुई विद स्टिक, तो कितनी लेंथ कितने मोटे मतलब चौड़े पत्ते आए हुए हैं उस पर, ये देखिए मिक्स एंड मैच, मतलब स्मॉल से उसमें भी स्पेस में, ये देखिए मतलब ये जेड प्लांट आ गया है, और ऊपर हमारे ये हो गया एस्पेरेगस, और ये देखिए ड्रेसिना अलग सी वैरायटी का, मतलब आप भी मिक्स एंड मैच करके मतलब एक कितना सुंदर मतलब लुक दे रहे हैं ये अपने ये झूले का स्विंग का, ये देखिए तो सुंदर लग रहा है। मतलब इस पर भी आ गई है 10-12 बास्केट्स आई गई है इस पर ना, 10-12 बास्केट्स की भी मतलब लगी है छोटे से, मतलब सिर्फ झूले पे ही लटकाई हुई है, ये नहीं कि मान रहे हो आपके पास एक झूले की स्पेस है, उस पर भी मुझे लगता है दो तो बड़े प्लांट्स कॉर्नर पे आ सकते हैं, और ये बाकी ये 10-12 बास्केट्स ये आपके झूले के चारों तरफ हैंगिंग हो सकती है, इतने अच्छे लग रहे। ये तो आइडिया मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये स्विंग वाला स्विंग डेकोरेशन कितनी सुंदर लग रही है, ये देखिए इसी प्रकार ट्राई करें, देखो कि देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये आइडिया तो मतलब कम स्पेस में भी झूले का भी शौक पूरा हो गया, और हमारा प्लांट्स का भी हो गया, और ये बास्केट और डिजाइनर बास्केट है, मतलब ये देखिए कितना, और बिल्कुल जैसे ये स्मॉल सा और आगे हल्का सा कॉर्नर वाला स्पेस है, ये देखिए कितने सुंदर ये लग रहे हैं इनके प्लांट्स, ये मिक्स एंड मैच करके ये सिग्नोनियम लगाए हुए हैं ये, और ये जैसे ये जहाँ भी इनको कॉर्नर मिलता है स्पेस मिलती है तो वहीं डेकोरेट करने का, ये देखिए कितने आइडियाज़ हैं इस पर भी, मतलब वो लगा के मिरर, और ये देखो जहाँ पे भी स्पेस है, ये देखो ये जी प्लांट है, ये कितना सुंदर,
मतलब मस्त भर के आया हुआ है। जहाँ पे भी इनको स्पेस मिलती है वहीं पे इन्होंने मतलब अपना टेरिस गार्डन कितना सुंदर डेकोरेट कर रखा है। इसी प्रकार आप भी अपने पास स्मॉल स्पेस हो और जैसे लैंडस्केपिंग का आइडिया आप यहाँ से ले सकते हैं, ताकि बैठ के सुबह मॉर्निंग में इवनिंग में और ये आराम से चाय पीजिए। और ये देखिए अब ये डिजाइनिंग है। और इस प्रकार आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेचर के साथ मस्त रहें।